ओके गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे आज मियोसिस, मियोसिस अर्धसूत्रण या अर्धसूत्र विभाजन जिसे कहते हैं। पहले हमने देखा था, हमने क्या पढ़ा था पहले, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन में क्या था कि जो डॉटर सेल बनती थी उसमें क्रोमोजोम्स की संख्या मदर सेल के बराबर होती थी। लेकिन अगर हम अर्धसूत्रण को देखें, अर्धसूत्रण की बात करें, अर्धसूत्रण मीन्स आधा, आधा वर्ड लिया गया है इसमें, तो आधे में क्या है कि जो हमारे पास ये मदर सेल है, मदर सेल से जब डॉटर सेल्स बनती हैं तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मदर सेल्स के कंपैरेटिवली आधा हो जाता है। इस कारण इसे कहा गया है अर्धसूत्रण या अर्धसूत्री विभाजन। किन में पाया जाता है? लैंगिक जो कोशिकाएं हैं, लैंगिक कोशिकाएं हैं जो जनन कोशिकाएं होती हैं। अब जनन कोशिकाओं में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो शुक्राणु और एग सेल्स बनती है, स्पर्म और एग सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और इनमें जो क्रोमोजोम्स की संख्या है वो इसकी मदर सेल से आधी होती है। और लैंगिक सेल्स या जनन सेल्स में इस प्रकार का जो अर्धसूत्रण पाया जाता है, ये कोशिकाएं परिपक्वता की स्थिति में होती हैं, इस कारण इसे परिपक्व विभाजन भी कहा जाता है। अर्धसूत्रण में जो क्रोमोजोम्स का नंबर है वो मदर सेल से डॉटर सेल में आधा हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, इस कारण इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है। और जनन सेल में अर्धसूत्रण होने की स्थिति में परिपक्वता की कंडीशन होती है, और परिपक्वता की स्थिति में ही जनन सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इसे परिपक्व विभाजन भी कहा जाता है। इसी प्रकार इसे न्यूनकारी, परिपक्व विभाजन और युग्मक के फॉर्मेशन के कारण, युग्मक बनते हैं ना अर्धसूत्रण में, युग्मकों का निर्माण होता है, तो इसे युग्मक विभाजन भी कहा जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के को कई नाम दिए गए, न्यूनकारी विभाजन क्रोमोजोम्स का संख्या कम होने के कारण, परिपक्व विभाजन की जनन सेल में होने के कारण, और युग्मक विभाजन इसमें युग्मक की फॉर्मेशन होने के कारण इसे युग्मक विभाजन नाम भी दिया गया। अब अर्धसूत्रण विभाजन क्या हुआ कि वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस जिसमें केंद्रक का विभाजन दो बार होता है परंतु जो गुणसूत्र है उनका विभाजन एक बार होता है, और जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स है या जो संजात गुणसूत्र है वो उनका पृथक्करण होता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक करेक्टर है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसे रिप्रेजेंट करते हैं 2n से, और डॉटर सेल में क्या संख्या होती है, n मीन्स इसकी आधी हो जाती है। तो अर्धसूत्रण की जब प्रोसेस पूरी हो जाती है तो उसमें चार केंद्रक बनते हैं, प्रोसेस के पूरे होने में चार केंद्रक बनते हैं एंड में, और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आधे ही होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो अर्धसूत्रण की अवस्थाएं हैं वो कौन कौन से होते हैं। इंटरफेज हमने माइटोसिस में भी देखा था, इंटरफेज क्या था, दो डिवीजन के बीच का जो समय अंतराल होता है, और हमने उसमें क्या पढ़ा था, G1, S और G2, तीन स्टेजेस पढ़ी थी, G1, S और S2। अब अगर हम मियोसिस की बात करें तो इसमें जो ये S होती है ये कंपैरेटिवली बड़ी अवस्था होती है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन बनता है, और हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या होता है, इस अर्धसूत्रण की क्रिया को इनिशिएट करना, प्रोत्साहित करना, ये इस क्रिया को इनिशिएट करती है जिससे ये प्रोसेस शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन
पूरा होता है। अब अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो दो विभाजन होते हैं, एक फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट विभाजन होता है, फर्स्ट डिवीजन ऑफ मेयोसिस, उसमें कौन कौन सी स्टेजेस पाई जाती हैं। फर्स्ट है प्रोफेज फर्स्ट, सेम भी हमने उसमें भी पढ़ा था माइटोसिस में भी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और इसे कहा गया प्रथम पूर्वावस्था, प्रथम मध्यावस्था, प्रथम पश्चावस्था और प्रथम अंत्यावस्था, क्योंकि ये जो स्टेजेस हैं ये फर्स्ट मियोसिस या अर्धसूत्रण के प्रथम विभाजन की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। अब फर्स्ट हम देखते हैं कि जो प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट में क्या क्या कौन कौन सी जो है सब स्टेजेस पाई जाती हैं। यह जो स्टेज है बहुत लंबी होती है और इसमें कई सारी क्रियाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट हम देखते हैं लैप्रोटीन, सेकंड जाइगोटीन, थर्ड पैकेटीन, फोर्थ डिप्लोटीन एंड फिफ्थ इज डाइकाइनेसिस। तो फर्स्ट अगर हम लैप्रोटीन की बात करें तो इसमें जो क्रोमोजोम्स हैं वो धागे के समान लंबे और पतले दिखाई देते हैं और इनके ऊपर छोटे छोटे दानों समान रचनाएं दिखाई देती हैं जो क्रोमोमियर्स होते हैं, और जो इनडायरेक्टली जो जीन को रिप्रेजेंट करते हैं, जीन का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसमें आरएनए का संश्लेषण होता है और प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और इस स्टेज में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 2n ही रहती है। सेकेंड स्टेज की अगर हम बात करें तो जाइगोटिन जो स्टेज है उसमें क्या होता है, जाइगोटिन स्टेज में जो संजात गुणसूत्र हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम्स हैं, वो पेयरिंग में हो जाते हैं या युग्म बना लेते हैं, युग्मन करते हैं, और जिसे पेयरिंग या सिनेप्सिस कहते हैं। और ये जो संजात गुणसूत्र होते हैं वो आकार में बिल्कुल समान होते हैं और उन पर जो जीन्स पाए जाते हैं उसकी प्रकृति भी समान हो सकती है और अलग भी हो सकती है। और इसमें क्या होता है, एस जो सब स्टेज होती है उसमें जो बचा हुआ डीएनए उसका संश्लेषण होता है और जो सिनेप्टोनमल कॉम्प्लेक्स बनता है, मीन्स जो संजात गुणसूत्र है उनका युग्मन होता है और फिर उससे कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। और इस कॉम्प्लेक्स का काम डीएनए अणुओं की टूट फूट और मरम्मत का होता है। और ये जो पेयरिंग होती है इसमें विकल्पी जीन्स में होती है, जो एलील्स होते हैं ना उसमें, और युग्मन जो बनाने की ये क्रिया होती है, जो पेयरिंग की क्रिया है, ये सभी ऑर्गेनिजम्स में समान नहीं होती, अलग-अलग होती है। और इसमें इस स्थिति में जो जाइगोटिन की स्थिति है इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस स्पष्टतः उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो पैकेटिन होती है उसमें क्या होता है, इसमें भी जो केंद्रकला है और न्यूक्लियोलस है या केंद्रिका है वो स्पष्ट रहते हैं, और इसमें एलील के जो दोनों गुणसूत्र होते हैं वो सेंट्रोमियर के अलावा पूरी लंबाई में डिवाइड हो जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारे पास इनके चार अर्ध गुणसूत्र एक साथ हमें दिखाई देते हैं, और सेंट्रोमियर के डिवाइड होने के कारण प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों जो आर्म्स होती हैं वो सेंट्रोमियर पर एक साथ जुड़ी रहती हैं। और इस प्रथम जो विभाजन होता है इसमें यह एक इकाई या यूनिट के रूप में काम करते हैं।